मेरे साथ है जुबैर खान जी. जुबैर, वी आर गोइंग इन टू नाउ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग. अब सी एम्स ओ एस टी हैज़ ऑल्सो सेट सर्टन थिंग्स की यू नो आपको देखना चाहिए. ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा था वो नहीं आया. सचिन पायलट हैज़ ऑल्सो समवेयर सेट कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है. सो एज समवन हु सो सीनियर, आप तो सेक्रेटरी AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको क्या लगता है मेन रीज़न क्या है हार का एंड कहाँ किस दिशा में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है? ओवर कॉन्फिडेंस हमारे नेताओं का, उसके बाद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हम कार्यकर्ताओं को सुचारू रूप से सकारात्मक रूप से लगा नहीं पाए, जो लोग टिकट मांग रहे थे या विधायकों से नाराज थे उनको हमने उनको मना नहीं पाए, ये मुख्य कारण रहे. क्योंकि मेरा भी ये 8वें चुनाव का अनुभव है. 90 में मैं MLA बन गया था और लगातार 3 बार पहले MLA रह चुका हूँ, चौथी बार इलेक्ट हुआ हूँ. कि एक तरह मैंने पहली बार देखा है कि कोई ना AICC का आदमी विधानसभाओं में जिलों में पहुँचा. हाँ, पब्लिक मीटिंग में जाते थे नेता, मुझसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कोई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कैंप किए हुए थे जिलों में विधानसभा. सीनियर पार्टी लीडरशिप डिडंट बैक, मतलब उन्होंने बैकिंग नहीं किया या इन्वॉल्वमेंट नहीं था? नहीं, वो फील्ड में पहुंच नहीं पाए. कारण तो क्या रहा मैंने इसमें, लेकिन फील्ड में जो पहुंचना चाहिए था, टिकट के बंटवारे से पहले तो सब लोग मीटिंग कर रहे थे, ऑब्जर्वर बायोडाटा कलेक्ट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और चुनाव के डिक्लेयर होने के बाद, चुनाव टिकट डिक्लेयर होने के बाद में वो लोग कहाँ थे? उनको रहना चाहिए था. क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन दैट द कांग्रेस इज अनएबल टू बीट द रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स? मतलब रिवाज क्यों नहीं बदल पाती कांग्रेस? हम हमेशा देखते हैं और इस टाइम उन्होंने कहा था रिवाज बदलेंगे. मुझे तो फील्ड में रिवाज बदला नहीं, बल्कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई आदमी, सीनियर आदमी नहीं बैठा. जहाँ जो सीटें ऐसी थी, हम मार्जिन से हारे हैं, उनमें अगर हमारा कोई सीनियर व्यक्ति बैठता, वहाँ चुनाव को मैनेजमेंट कराता, तो परिणाम दूसरे होते. मेरा सीएम वाज मैनेजिंग द इलेक्शन. आई डोंट नो हु वाज मैनेजिंग द इलेक्शन, बट वट एवर आई फेल्ट ऑन द ग्राउंड आई टोल्ड यू. यू ऑल्सो फील समवेयर दैट सचिन पायलट ने जहाँ हिज you know being somewhere sidelined, I mean the you know the rapprochement came too late, matlab jo unko ek sath khada karna wo aapko laga kahin internal fight ki wajah se nuksan hua hai. High command isse zyada kya thapka dega? High command manch se kehta hai hamare do neta hain, isse zyada maan samman dono netaon ko high command isse zyada to nahi de sakta na. अब वो नेताओं के ऊपर निर्भर करा है कि उन्होंने क्या किया है नहीं किया है. मेरी जानकारी में तो है कि सबने प्रयास किए हैं ईमानदारी से वोट दिलाने के, लेकिन जनता में हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए. आप आउटसाइड एजेंसी की का बात कर रहे हैं कि आउटसाइड एजेंसीज टुक अवे अ पार्ट ऑफ लार्ज शेयर ऑफ द पाई, यू नो व्हिच शुड हैव गॉन टू कार्यकर्ताज. या दैट्स राइट, बिकॉज एवरी इलेक्शन वी आर सीइंग समवन फ्रॉम आइदर PCC लेवल और एक्स मिनिस्टर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सिटिंग MP और समवन फ्रॉम AICC वर कमिंग टू द डिस्ट्रिक्ट असेंबली एंड देवर सिटिंग. एट दिस टाइम व्हाट हैपेंड इफ इट इज ड्यू टू दिस एजेंसी हायर्ड, इट्स अ कोलैप्स ऑफ दैट एजेंसी. बिकॉज आई हैव नॉट सीन इन द फील्ड दैट समवन इज वर्किंग for the candidate and coordinating the workers, coordinating the dissidents. I didn't find anywhere. My last question, Zubair ji, do you somewhere feel what Lokesh Sharma has said, that the feedback from the ground was not reaching the party leadership on ground? He was OSD every day, he was meeting chief minister, it was his job, he should have prized chief minister, he was OSD. So it is his fault, whatever he is saying. I don't know what he is saying, but it is his failure also. For 5 years he was OSD to fail. You have 69 MLAs, you are going to choose a leader of the opposition now, a CLP leader also. Aapko kya lagta hai, matlab kya sochte hain, because aapke paas ab 2024 ka chunav hai, do baar aapke paas zero hua hai Lok Sabha mein, the score is zero. Dekhiye, ab sab netaon ko aatmanthan karna chahiye और डिफरेंसेज जो अगर हैं उनको दूर करना चाहिए. जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोट रहा है उस वोट पे फोकस करना चाहिए, और विधायक दल का नेता भी उस आधार पे बनना चाहिए कि विधानसभा में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है. विधानसभा में जातिवाद की राजनीति नहीं चलती है, वहाँ चलती है क्वालिटी. कौन आदमी BJP के सामने चुनौती देगा, उनके सामने कांग्रेस की उपलब्धियाँ रखेगा, उनकी कमियाँ उजागर करेगा, इफेक्टिव CLP लीडर होने चाहिए, जिसका पोजीशन लीडर बोलते हैं, मेरा ये मानना है. थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस. जुबैर खान, ही इज सेक्रेटरी इन द AICC, जनरल सेक्रेटरी इन द AICC.
स्पीकिंग क्वाइट फ्रैंकली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जुबैर जी ने बताया है नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड आउटसाइड एजेंसीज हैंडलिंग द एंटायर कैंपेन रादर देन द कोर वर्कर्स एंड द कोर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स दैट द पार्टी शुड हैव यूज्ड उसको यूज नहीं किया गया उसके बजाय इस तरह से आउटसाइड एजेंसीज और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मिसमैनेजमेंट ये सारी बातें उन्होंने कही है यहाँ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह एनडीटीवी